पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव पर भाजपा में बड़ी बैठक हो रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और कई प्रकार की बैठक वो लगातार जारी है, चाहे वो जिला स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो। जिस प्रकार से दो राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, चाहे वह मणिपुर की हो, वहीं फिर जो पांच राज्य हैं वहाँ कहाँ कहाँ विधानसभा चुनाव है हम बता देते हैं, जहाँ पर बीजेपी की नई दिल्ली में बैठक चल रही है पांच राज्यों को लेकर। जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। बीजेपी कभी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है और तमाम चुनाव में जी जान लगा देती है, चाहे वह नगर निकाय की चुनाव हो या फिर जिला इकाई की चुनाव हो या फिर विधानसभा की चुनाव हो या फिर लोकसभा की चुनाव हो या छात्र विंग की चुनाव हो, तमाम तरह के चुनाव में बीजेपी जिस प्रकार से हावी नजर आती है, यह कहा जा सकता है कि बीजेपी चुनाव को लेकर कितना गंभीर होती है, इसी को लेकर दिल्ली में बड़ी मंथन हो रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर ही 2024 में लोकसभा का चुनाव और देश का माहौल तय होगा बहुत हद तक। उत्तर प्रदेश में 400 सीटें हैं, वहीं जो पाँच राज्य हैं, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड हो गए, वहीं पंजाब, फिर मणिपुर और गोवा में जो सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद उत्तराखंड और गोवा मणिपुर। बाकी सब जगहों पर तो सीटें कम हैं, मगर उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक सीटें हैं। तो यह चुनाव उत्तर प्रदेश को केंद्रित में रहकर हो रहा है, मगर बीजेपी कोई भी स्टेट, चाहे वह छोटा स्टेट ही क्यों नहीं हो, वहाँ पर भी अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल कर यह साबित कर रही है कि हम लगातार लगे हुए हैं चुनाव को जीतने में। वह केवल एक कम विधानसभा का स्टेट नहीं समझती है, वह समझती है कि वह एक राज्य है जहां पर अपना वर्चस्व हो। तो अब इसको लेकर जो दिल्ली में मंथन चल रही है, उन्हीं के बीच दो प्रदेश अध्यक्षों को बदला जाता है, असम और मणिपुर। असम में तो चुनाव हो चुका है, मगर मणिपुर में चुनाव होना है। तो हम लोगों ने यह देखा कि मणिपुर का जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष जहाँ भी बदलने की आवश्यकता है, वहाँ पर बीजेपी पहले से ही तैयारियाँ करते हुए चल रही है, क्योंकि 6 महीने बाद उसे चुनाव की सीधे तरह से धरातल पर जिस प्रकार से उनके नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों नहीं हो, वह भी जिस प्रकार से चुनाव रैलियों में जुटते हैं, जैसे आम कार्यकर्ता जुटा करते हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री भी अपनी पार्टी को जिताने के लिए नज़र आते हैं। और या नरेंद्र मोदी हों, या अमित शाह हों, या राजनाथ सिंह हों, या कोई भी बीजेपी का शीर्षस्थ नेता हों, आप खुलेआम देख सकते हैं खूब भाषणबाजियाँ होती है, चाहे हुआ हम देखें बंगाल के चुनाव में ही क्यों ना हो, पूरी जी जान लगा दिए मगर उस चुनाव में सफलता नहीं मिली, मगर बीजेपी की तैयारी और उसकी जीवटता में कोई कमी नज़र नहीं आती है। वहीं अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में कितनी सफलता बीजेपी को मिल पाती है। वहीं बीजेपी में जो पंचायत स्तर के चुनाव थे, पंचायत के, उसमें उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में भाजपा को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आई, और कई जगहों पे तो उसकी निर्दलीय उम्मीदवार कह सकते हैं कि पंचायत में वहाँ पर लीड कर जीत जाएंगे। तो बीजेपी कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, यही उसकी सबसे बड़ी, आज देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने में मदद करती है। हम अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि बीजेपी की ये दिल्ली में तैयारी चल रही थी, उसी को लेकर यह खबरें थी। अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह तमाम बैठक में मौजूद थे। तो समझ सकते हैं इस बैठक की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी विधानसभा चुनाव को लेकर में पांच राज्यों में, जिसका असर चुनाव परिणाम के बाद पूरी निर्णय पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप देख रहे होंगे झकास भारत, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो लाइक करिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।